The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So hello everyone. So we're going to talk about deodorant and perspirant. क्या वो आपके लिए अच्छे हैं, क्या वो आपके लिए बुरे हैं, क्यों अच्छे हैं, क्यों बुरे हैं? देखो जी, आपकी गर्मी है, गर्मी में आपको पसीना आएगा, पसीना में पसीना तो आएगा ही आएगा. सो पसीना के वजह से आप लगाते हो, कोई डिओड्रेंट लगाता है, कोई परफ्यूम लगाता है, कोई एंटी परस्पिरेंट लगाता है. दोनों अलग अलग, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं. और बेसिक इंटेंशन दोनों तीनों का, आपकी बॉडी का जो ओडर है, जो स्मेल है, जो बदबू है, उसी को दबाना होता है या उसको रिप्लेस करना होता है. तो दोनों के साइंस को समझते हैं, उसके बेसिक मैकेनिज्म को समझते हैं और फिर समझते हैं कि इनका आपके एक्चुअल हेल्थ के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर क्या कोई बुरा इफेक्ट तो नहीं है. कुछ आपने सुना हो बातचीत की, इससे कैंसर भी होता, उससे ये भी होता. तो आज आपको सब कुछ साफ साफ बता देंगे क्या किससे होता, किससे क्यों नहीं होता. सो एक चीज होती है एंटी परस्पिरेंट, नाम से ही समझ आता है, परस्पिरेशन मतलब स्वेटिंग. तो जब स्वेटिंग को कम करना है तो हम एंटी परस्पिरेंट यूज करते हैं और ऑब्वियसली उसका एक्शन भी है रिड्यूसिंग योर स्वेट. ओके, और डिओडरेंट इज बेसिकली कैसे काम करता है, डी ओडर यानी ओडर कम करना, बदबू कम करना. डी ओडर परफ्यूम नहीं है ये. Deodor works by increasing your skin's acidity. आपकी स्किन की एसिडिटी बढ़ा देते हैं. अब इसका क्या हिसाब किताब है? Deodorant जो है वो एक cosmetic product हो जाते हैं जो आपकी beautify के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन antiperspirant एक दवा है. It's a drug. ये उसी के लिए use किया जाना चाहिए जिसको बहुत ज़्यादा पसीने की बीमारी है, उसके काम धंधों में प्रॉब्लम हो रही है. इतना पसीना आ रहा मेरे तो बास में कोई बैठ ही नहीं पा रहा, मीटिंग से उठ उठ के लोग भाग रहे हैं. सर ऐसा कैसे चलेगा, है ना, मीटिंग से उठ उठ के लोग भाग रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं आप ऐसा करो बाहर जाके बैठो, मेरे तो काम में प्रॉब्लम आ रही है, मैं तो ऐसे तो जी नहीं पाऊंगा. तो ऐसे लोगों के लिए फिर होता है एंटी परस्पिरेंट, राइट. सो वो एक इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पे. डिओड्रेंट जो है उसकी काम सिर्फ और सिर्फ है कि आपके आर्मपिट से ओडर खत्म हो जाए, पसीना नहीं, पसीना रहेगा. तो ये बेसिकली डिओड्रेंट जो होते हैं उसमें होता है अल्कोहल होता है. जब वो अप्लाई करते हैं वो आपकी स्किन को और एसिडिक बना देते हैं. तो एसिडिक स्किन जो होती है, देखो बदबू कैसे आती है, बदबू आती है जब पसीना वहां जमा होता है, वहां पसीने में आपके बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और बैक्टीरिया ग्रो होते हैं वहां से बदबू आती है. जी हाँ, पसीने में बदबू जो बैक्टीरिया जल्दी ग्रो होते हैं और सबके बैक्टीरिया स्किन पे होते ही हैं. सो डिओडरेंट क्या करता है, स्किन को और एसिडिक बना देता है जिससे कि वहां पे बैक्टीरिया कम ग्रो होते हैं. बैक्टीरिया आर लेस अट्रैक्टेड टू एसिडिक एनवायरमेंट. सो ऐसे डिओडरेंट को में कई बार लोग परफ्यूम मिला के, एक डिओडरेंट के ऊपर परफ्यूम मिला के मार दिया जाता. तो डिओडरेंट आर वेरी कॉमन, डिओडर. सो डिओडरेंट इसलिए आपको खुले मिलते हैं. क्या चल रहा है, डिओडरेंट चल रहा है, ठीक है. एंटी परस्पिरेंट जो है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो कोई अल्कोहल नहीं है, इट्स एन एल्यूमिनियम बेस्ड कंपाउंड जो कि आपके स्वेट पोर्स को ब्लॉक कर देता है. एल्यूमिनियम बेस्ड कंपाउंड जो स्वेट पोर को ब्लॉक कर दे, ऊपर से ऐसा कवर कर दे, तो दिस ब्लॉकिंग स्वेट पोर रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ, जो आपका पसीना कम आएगा, सीधी सी बात है, पसीना ही कम आएगा तो पसीने में बदबू कहां से आएगी जब पसीना ही नहीं है. ऐसे कई ओवर द काउंटर मिलने वाले एंटी परस्पिरेंट भी हैं मगर वो एक दवा है. ओवर द काउंटर मेडिकेशन भी होती है, पैरासिटामोल, लेकिन वो दवा है, राइट, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं. सो दैट इज द डिफरेंशिएशन हियर. बेनिफिट वाइज दोनों का बेनिफिट है कि स्मेल नहीं आए, मॉइस्चर कम रहे,
राइट, दैट इज द बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ देम. तो वो है, दोनों उसमें बेनिफिट देते हैं. मॉइस्चर वाइज क्या फायदा है? स्वेट जो है वो आपके लिए जरूरी है, गर्मी में ठंडक करता है, आपकी बॉडी का हीट कम करता है. आर्मपिट्स जो है वहाँ बहुत डेंसिटी होती है स्वेट ग्लैंड्स की, बिकॉज बॉडी को ठंडा करने में वो एरिया काम का है, आर्मपिट है, लोअर एरिया है. सो ऐसे कई लोगों को कुछ ज़्यादा ही स्वेट आता है, उनके लिए एंटी परस्पिरेंट काम आ सकता है, लेकिन ऐसा जीरो स्वेट होना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. सो स्वेट इज इम्पॉर्टेंट, स्वेट कैन कॉज बॉडी ओडर, कंट्रोलिंग द बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट. स्मेल जो आती है, जैसे मैंने कहा, बॉडी ओडर इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन द स्वेट, और वहाँ पर आपको बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए आप रोज़ नहाते हो, इसलिए आप कपड़े बदलते हो, नहा एक्सरसाइज के बाद कपड़े बदलते हो, नहाते हो, क्यों आते हो, राइट? किसके ज़्यादा ज़्यादा स्वेट किसको आएगी? अगर आप के मान लीजिए हाई प्रोटीन डाइट है तो उनको ज़्यादा स्वेट आ सकती है, मोर स्वेट आ सकती है. अब ये एक कॉन्सेप्ट हो गया. अब एल्यूमिनियम बेस्ड एंटी परस्पिरेंट अगर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर जो कैंसर का रिस्क है या नहीं उसको समझते हैं. एल्यूमिनियम बेस के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एल्यूमिनियम बेस्ड एक कंपाउंड है, वो आपके स्वेट पोर्स को भर देगा, वो थोड़ी देर के लिए भरेगा. और इसमें एक कंसर्न है कि वहाँ से हो सकता है ये एल्यूमिनियम जो है ये आपका एब्जॉर्ब हो जाए आपके खून में. तो एल्यूमिनियम अगर एब्जॉर्ब हो गया तो दे कैन अफेक्ट योर बॉडी. एल्यूमिनियम इज नोन टू अफेक्ट वहां से, क्योंकि पास में आपका है ब्रेस्ट, फीमेल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम. ब्रेस्ट में आपके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं, तो ये देखा जाता है हो सकता है वो ब्रेस्ट के अंदर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को अफेक्ट करें. बट इसका कोई लिंक नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई रिसर्च में भी पकड़ा नहीं है. ब्रेस्ट कैंसर टिश्यू डज नॉट अपियर टू हैव मोर एल्यूमिनियम देन अ नॉर्मल टिश्यू, जितना नॉर्मली लोगों में हो सकता है. एल्यूमिनियम होता है आपकी बॉडी में टाइनी अमाउंट, और रिसर्च में देखा गया है वेरी वेरी टाइनी अमाउंट इज एब्जॉर्ब्ड एक्चुअली विद द यूज ऑफ सच एंटी परस्पिरेंट. इसीलिए ये एक दवा है, नॉट रियल जो मर्जी करो उसके साथ, राइट? इसलिए वो एक दवा होती है. इसके कई रिसर्चेस भी आपको मिल जाएंगे जिसमें देखा गया है, लेकिन स्टडीज में ये नहीं पाया गया कि वो कैंसर का रीजन है, राइट? या वो उससे कैंसर हो रहा है, बट ऑब्वियसली इट कैन बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर. सो इसलिए एंटी परस्पिरेंट को ना यूज करें या कम यूज करें, ठीक है? सो एंटी परस्पिरेंट या डिओड्रेंट दोनों के दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं. डिओड्रेंट एसिडिटी बढ़ाता है और उसमें परफ्यूम डाला जाता है. सो इसमें डिओड्रेंट का कैंसर के साथ कोई भी लिंक नहीं देखा गया है फिलहाल. और डिओड्रेंट आप यूज़ कर सकते हैं, एंटीपर्स्पिरेंट आप डॉक्टर के एडवाइस पे यूज़ करें वरना नहीं, राइट? सो आप स्वेट तो होगा भी, स्वेट आपके लिए अच्छा है. सो स्वेट बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको इग्नोर ना करें, उसको आने से रोकें मत, उसमें नहा लें, उसमें बस क्लेनलीनेस रखें अपनी, रेगुलर हाइजीन रखें और कतई चिंता ना करें. सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट. सो आई होप यू कैन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सबको बताएं. ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि.